नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एप्पल आईपैड एयर 2022 वर्सेस एप्पल आईपैड 10.2 2020 वाईफाई प्लस सेल्यूलर का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टैब के डायमेंशन की। दोनों टैब की लेंथ की बात करें तो iPad Air 2022 में 9.75 इंच जबकि iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में 9.87 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो iPad Air 2022 में 7.03 इंच जबकि iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में 6.85 इंच की विड्थ मिलती है जो कि iPad Air 2022 से कम है। बात करें थिकनेस की तो iPad Air 2022 में 0.24 इंच जबकि iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि iPad Air 2022 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो iPad Air 2022 में 461 ग्राम्स जबकि iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में 495 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो कि iPad Air 2022 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों टैब में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो iPad Air 2022 में 10.9 इंचेस जबकि iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में 10.2 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन iPad Air 2022 में 1640x2360 और iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में 1620x2160 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो iPad Air 2022 में 81.3 जबकि iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में 73.85% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो iPad Air 2022 में 264 पिक्सेल प्रति इंच जबकि iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में 265 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स की जो कि टैब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो iPad Air 2022 में एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular की बात करें तो इसमें भी हमें एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो iPad Air 2022 में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो iPad Air 2022 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो टैब में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो iPad Air 2022 में Apple GPU 8 Core Graphics जबकि iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में Apple GPU 4 Core Graphics मिलता है। चिपसेट की बात करें तो iPad Air 2022 में Apple और iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में Apple Bionic मिलता है। बात करें RAM की तो iPad Air 2022 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 8 GB की RAM मिलती है जबकि iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में दो वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 3 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो iPad Air 2022 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64 GB 256 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में दो वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 32 GB 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों टैब में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो iPad Air 2022 में iPadOS V15 जबकि iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में iPadOS V14 देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो iPad Air 2022 में 4 कलर्स जबकि iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो iPad Air 2022 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं
जो कि 8 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 54,850 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 68,850 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें iPad 2020 Wi-Fi Plus सेल्यूलर की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 41,900 रुपीस, 3 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 49,900 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो एप्पल आईपैड एयर 2022 में 6 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें एप्पल आईपैड 10.2 2020 वाईफाई प्लस सेल्यूलर की तो उसमें 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों टैब सेम ही है। मेन कैमरा में आईपैड एयर 2022 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों टैब सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों टैब सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे टैब की बात करें तो एक ही कॉम्पिटिटर टैब अवेलेबल है, जो कि एप्पल आईपैड 10.2 2021 वाईफाई है, जो कि 44,900 रुपए में मिलता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।